हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में ओप्पो रेनो 8T स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट और वीडियो टेस्ट करेंगे। देखेंगे इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है और वीडियो क्वालिटी कैसा है। और दोस्तों, आप सब एक फ़ोन लेना चाहते हो कैमरा के लिए, क्या फ़ोन आपके लिए बेहतर होगा या नहीं, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पहले इस फोन का कैमरा सेटअप का बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन कैमरा है 108 MP, इसका अपर्चर f1.7, सेकंड कैमरा है 2 MP, इसका अपर्चर है f3.3। ये दोस्तों माइक्रोस्कोप कैमरा है। और यहाँ पे थर्ड कैमरा है 2 MP, इसका अपर्चर f2.4। ये दोस्तों सैमसंग कैमरा है। और दोस्तों फ्रंट कैमरा का बात करूँ तो फ्रंट कैमरा है 32 MP, इसका अपर्चर f2.4। अब दोस्तों इस फोन से लाइव पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। तो चलिए आप सबको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह का कैमरा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले दोस्तों आपको नॉर्मल मोड से फोटो क्लिक कर दिखाएंगे। तो चलिए फोकस करता हूँ, अब यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। अब इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कॉट का बात करूँ तो काफ़ी सही पिक्चर कॉट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नॉर्मल मोड से क्लिक क्यों तब भी यहाँ पे क्लैरिटी दिखिए, क्लैरिटी काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। अब इस पिक्चर को आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका डिटेलिंग कैसा है। तो यहाँ पे जूम करने से देखिए डिटेलिंग काफ़ी सही देखने को मिल रहा है, नॉर्मल से क्लिक क्यों तब भी। और यहाँ पे जूम करने से ज़्यादा पिक्चर में लॉस भी आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कलर का बात करूँ तो यहाँ पे HDR आपके पिक्चर क्लिक क्यों तब भी कलर काफ़ी सही ये पिक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों इस फोन से आपको AI कैमरा ऑन करके और HDR ऑन करके फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे HDR को ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन हो चुका है यहाँ पे। अब चलिए फोकस करके फोटो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। अब इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर कॉट का बात करूँ तो यहाँ पे सेम क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों HDR ऑन करके और AI कैमरा के मदद से पिक्चर क्लिक किया हूँ तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। और दोस्तों जो कलर आ रहा है वो काफ़ी सही कलर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए काफ़ी अच्छे से कलर ऑप्टिमाइज हो रहा है। और यहाँ पे HDR ऑन करके पिक्चर क्लिक करो तो वहाँ पे कलर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पिक्चर का डिटेलिंग का बात करूँ तो वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। तो अब यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। तो चलिए यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स। तो इस फोटो का साइज का बात करूँ तो साइज है 3.2 MM यहाँ पे ले रहा है। आप दोस्तों इस फोन से आपको 108 MP से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 108 MP ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 108 MP कैमरा ऑन हो चुका है, यहाँ पे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों फिर से यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 108 में आपको HDR का ऑप्शन मिल जाएगा। HDR यहाँ पे ऑन है तो काफ़ी सही बात है दोस्तों। तो चलिए फोकस करके फोटो क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। अब चलिए इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सही पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है, एकदम शार्पनेस क्वालिटी यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे HDR रेंज का बात करूँ तो वो भी यहाँ पे अच्छा आ रहा है। यहाँ पे और एक फोटो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ 108 से, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड से दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे 108 MP ऑन हो चुका है। तो चलिए फोटो क्लिक करता हूँ, इस फोटो को ओपन करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे चेहरे में दिखे थोड़ा ब्यूटी ऐड हो रहा है, अपने आप यहाँ पे ब्यूटी ऐड हो रहा है, कोई भी ब्यूटी यहाँ पे ऑन नहीं है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, फोटो क्लिक करता हूँ, फोटो को ओपन करता हूँ, यहाँ पे वेट कीजिए थोड़ा कुन। तो यहाँ पे देखिए चेहरे में थोड़ा ब्यूटी अपने आप ऐड हो रहा है यहाँ पे। और इस पिक्चर कॉट का बात करूँ तो एकदम शार्पनेस क्लीन डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे शार्पनेस दिखिए, एकदम क्लीन फोटो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे HDR रेंज का बात करूँ तो वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कलर दिखे, कलर बहुत ही अच्छे से पिक्चर में कस्टमाइज हो रहा है। तो अब यहाँ से जाएंगे इस फोटो का डिटेल्स में। यहाँ पे साइज दिखे, साइज है 23.2 MM यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। तो अब इस फोन से दोस्तों पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे। तो पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे टैप करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ब्लर को अपनी से कस्टमाइज कर पाओगे, यहाँ पे कम ज़्यादा कर पाओगे ब्लर को इस तरह से। तो चलिए मैं 2.5 में रख देता हूँ, सिलेक्ट हो चुका है। फोकस करके फोटो क्लिक करता हूँ, तो फोटो क्लिक हो चुका है। इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसे आया है। तो इस पिक्चर कॉट का बात करूँ तो पिक्चर कॉट काफ़ी सही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, एकदम क्लीन फोटो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और HDR रेंज भी काफ़ी सही यहाँ पे आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात करूँ तो पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से काम किया है। यहाँ पे और एक फोटो क्लिक किया हूँ तो इस फोटो का बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा फोटो आया है, एकदम शार्पनेस क्लीन फोटो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का बात करूँ तो पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से काम किया है। यहाँ पे देखिए कोई भी बॉडी पार्ट को ब्लर नहीं किया है, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रहा है। इस फोन का पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आप सबको कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। तो अब यहाँ से जाएंगे इस फोन का वीडियो में। यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन का बात करूँ तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे टैप करता हूँ, 720 पिक्सल 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे।
और यहाँ पे आपको 1080 पिक्सल से 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, उससे यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों इस फोन से आपको माइक्रोस्कोप शॉट से फोटो क्लिक करके दिखाएंगे, तो चलिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप कैमरा ऑन करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे मोड में, तो यहाँ पे नीचे देखिए माइक्रोस्कोप कैमरा, तो चलिए टैप करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑन हो चुका है। और दोस्तों माइक्रोस्कोप कैमरा किस तरह से यूज़ करना है आपको दिखा देता हूँ। तो एक 5 का सिक्का लिया हूँ यहाँ पे, आप सब देख सकते हो, तो इसको किस तरह से शॉट लेना आपको दिखा देता हूँ। आपको अच्छे से एकदम पास से फोटो क्लिक करना पड़ेगा आपको, देखिए कितना फास्ट आ रहे हो मैं, फोन एकदम रख दे उसके ऊपर। तो यहाँ पर डिटेलिंग देखिए, एकदम जो जो यहाँ पे देख रहे हैं आप आँख से नहीं देख सकते हो, इस तरह से आप फोटो क्लिक कर पाओगे। यहाँ पर डिटेलिंग देखिए, जो आप दोस्तों आँख से नहीं देख पाओगे यहाँ पर आप इस कैमरे से आप देख पाओगे, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों स्क्रीन का शॉट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलता है, देखिए काफ़ी क्लियर डिटेलिंग देखने को मिल रहा है। आप दोस्तों जो आँख में नहीं देख पाओगे वो इस कैमरे से देख पाओगे, देखिए यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कैमरे दिया गया आप जो आँख में नहीं देख पाओगे वो इस कैमरे से देख पाओगे, काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों इस फोन से फ्रंट कैमरा का पिक्चर क्लिक कर देंगे, फ्रंट कैमरा का पिक्चर क्वालिटी कैसा है, तो चलिए यहाँ पर ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सेम इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस फोन का ऑटोफोकस काफ़ी अच्छा है, देखिए सामने आया ऑटोफोकस हो गया, फिर से चलिए दिखाता हूँ, फिर सामने आता हूँ, यहाँ पर ऑटोफोकस हो रहा है, बहुत ही अच्छा ऑटोफोकस है इस फोन का। अब चलिए इस फोन का फोटो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे HDR ऑन है, तो चलिए फोटो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे काउंट ऑन स्टार्ट, तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सही पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रहा है, एकदम क्लीन शार्पनेस फोटो आ रहा है। और दोस्तों ये फोटो HDR ऑन कर क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पे HDR का कलर देखिए, कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कलर बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज हो रहा है फोटो में। तो इस फोटो को जूम करके दिखाता हूँ इसका डिटेलिंग कैसा है। यहाँ पे जैसे जूम किया पिक्चर में थोड़ा लॉस देखने को मिल रहा है, ये फोटो से 32 MP से क्लिक किया तब भी यहाँ पे पिक्चर में लॉस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 32 MP का जैसा फोटो यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे पिक्चर में बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फोटो ठीक ठाक आ रहा है लेकिन शार्पनेस क्लियर फोटो नहीं देखने को मिल रहा है, 32 MP के अनुसार फोटो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ से आएंगे इस फोटो का डिटेल्स में, तो मैं टैप करता हूँ यहाँ पे डिटेल्स, तो साइज़ देखिए साइज है 5.8 MB यहाँ पे ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। आप दोस्तों इस फोन से आपको पोर्ट्रेट से फोटो क्लिक कर दिखाएंगे, तो यहाँ पे चलिए ब्लर को सेट कर लेते हैं, यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ से ब्लर को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर पाओगे। यहाँ पे चलिए मैं 2.8 में रख दिया हूँ। अब चलिए फोटो क्लिक करता हूँ, तो फोटो क्लिक हो चुका है, इस फोटो को ओपन करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्वालिटी कैसा आया है। तो इस पिक्चर क्वालिटी का बात को तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सही देखने को मिल रहा है, अच्छा पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे आया है। और दोस्तों यहाँ पे HDR रेंज का बात करूँ तो यहाँ पे पिक्चर में कलर देखिए, कलर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कस्टमाइज हो रहे पिक्चर में। और पोर्ट्रेट मोड का बात करूँ तो वो भी यहाँ पे अच्छे से काम किया है। यहाँ पे और एक फोटो क्लिक किया हूँ, यहाँ पे देखिए इस पिक्चर का कलर देखिए, कलर सारी पिक्चर में बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। और पोर्ट्रेट मोड का बात करूँ तो पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी देखिए बॉडी पार्ट को ब्लर नहीं किया है। मुझे इस फोन का पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा लगा, बेहतरीन यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है। तो अब यहाँ से इस फोन का वीडियो में, यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन का बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1080 पिक्सल 30 fps में आप वीडियो कर पाओगे, और 720 पिक्सल से 30 fps में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, आउटडोर में और भी पिक्चर क्लिक की और दिख लीजिए आपको अंदर जो जाएगा फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस फोन का पिक्चर क्वालिटी आप सबको कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताना। आप दोस्तों इस फोन का वीडियो क्वालिटी दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों रियर कैमरे से 1080 पिक्सल से 30 fps से शूट हुआ है। यहाँ पे क्वालिटी का बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा आ रहा है, मैं कलर देखे कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे स्टेबल का बात करूँ तो यहाँ पे हट के जा रहा हूँ मैं, स्टेबल भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जूम का बात करूँ तो चलिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 6x जूम यहाँ पे मिल रहा है, उससे यहाँ पे जूम नहीं मिलेगा आपको। क्वालिटी का बात को तो क्वालिटी काफ़ी सही यहाँ पे आ रहा है वीडियो का। तो ये वीडियो से फोन कैमरा से 1080 पिक्सल से 30 fps से शूट हुआ है। यहाँ पे क्वालिटी का बात को तो क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक आ रहा है, यहाँ पे जो कलर आ रहा है कलर देखिए यहाँ पे कलर भी यहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कोई भी माइक नहीं यूज़ करो, साउंड क्वालिटी आप देख लेना साउंड क्वालिटी कैसे आ रहा है। यहाँ पे क्वालिटी देखिए
प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। तो अब दोस्तों ओवरऑल कैमरा क्वालिटी का बात करूँ तो इसमें का रियर कैमरे से काफ़ी अच्छा फोटो आ रहा है, 108 एमपी से काफ़ी अच्छा अच्छा फोटो क्लिक हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों माइक्रोस्कोप कैमरा का बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, माइक्रोस्कोप कैमरे से बहुत ही अच्छा शॉट आ रहा है। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा का बात करूँ तो फ्रंट कैमरा आपको 32 एमपी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रंट कैमरे से 32 एमपी के अनुसार फोटो नहीं आ रहा है, उतना अच्छा फोटो नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक ठाक फोटो देखने को मिल जाएगा आपको। और दोस्तों आप एक फोन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आपका बजट है तो पे कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और दोस्तों ओप्पो रेनो 8T रिलेटेड को भी सवाल तो नीचे कमेंट में से कमेंट करना। तब ले जाएं, वंदे मातरम।